कल एक सरप्राइज़ विजिट की थी हाई सिक्योरिटी जेल की। एसपी साहब थे, एडिशनल एसपी सरिता सिंह जी थी, और पूरा जाप्ता विभिन्न जो थानाधिकारी वगैरह सारे थे। तो हाई सिक्योरिटी जेल की निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि जो जितने भी मुख्य स्थानों पर लगे हुए जो कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे, वो ख़राब थे, और जैमर भी तो वो भी ख़राब था। और हमें विभिन्न बैरक की जो हमने चेकिंग की, उस दौरान एक बैरक थी वार्ड नंबर 3 की, 5 नंबर की, उसमें एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी मिला, चार्जर भी मिला, और काफ़ी जो है हमने सर्च किया तो मेरे ख्याल से ये जैन मैनुअल के ख़िलाफ़ है, और काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग की और ज़रूरत है ताकि हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा और अधिक ठीक कर सके। सिम कार्ड था मोबाइल? हाँ, मोबाइल में सिम कार्ड था। चालू तो होगा ही निश्चित रूप से। तो ये जैन मैनुअल के ख़िलाफ़ है, और हमने काफ़ी लंबे समय से कैमरे ख़राब हैं और जैमर ख़राब है, तकरीबन 6 महीने के अंदर 12 से 13 मोबाइल मिल चुके हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैमर ख़राब होना इतना कॉस्टली अफेयर है, जैमर लगाना और उसका ख़राब होना निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जब सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है तो उसको चालू अवस्था में होना चाहिए, और जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो बिल्कुल चालू हालात में होने चाहिए। तो प्रकाश व्यवस्था जो रात की है वो भी और ज़्यादा ठीक होनी चाहिए, ताकि हम सिक्योरिटी की जो सभी मान लो जोधपुर तक धमकियां गई थी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से, और राजस्थान में एकमात्र हाई सिक्योरिटी पीड़ित अजमेर में, तो खैर अपराधी उसके बाद इस तरीके की लापरवाही। निश्चित रूप से मोबाइल मिलना जेल में और हाई सिक्योरिटी जेल में मिलना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। इस बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, और इसकी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए और जैमर को ठीक कराने के लिए, या जो सीसीटीवी कैमरे ठीक कराने के लिए, प्रकाश व्यवस्था वो ठीक कराने के लिए बातचीत करके सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।